हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिनय और आप लोग देख रहे हो अभिनय टेक। तो मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ सेल मेडिक्लेम का कैप कैश एनरोलमेंट बारे में। अगर आप लोग किसी साल प्रीमियम पेमेंट नहीं किए हो और फिर से आप लोग रीपेमेंट करना चाहते हो प्रीमियम को, तो कैसे आप लोग प्रीमियम पेमेंट कर सकते हो, मैं आप लोग को फुल डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा और आप लोग को पता चल जाएगा कैसे आप लोग सेल मेडिक्लेम गैप कैश एनरोलमेंट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ सेल मेडिक्लेम का गैप कैश एनरोलमेंट के बारे में। और ये जो एनरोलमेंट है, ये आप लोग ऑनलाइन मोड में नहीं कर सकते हो, इसमें आप लोग को ऑफलाइन मोड में करना होगा। चलिए जान लेते हैं कैसे आप लोग कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एप्लीकेशन फॉर एनरोलमेंट आज गैप कैश और फर्स्ट टाइम एनरोलमेंट अंडर सेल मेडिक्लेम स्कीम, ठीक है, जो कि इफेक्टिव है फ्रॉम 11th of July 2024 से लेकर 10th of July 2025 तक ये वैलिडिटी रहने वाला है। और अगर आप लोग किसी साल भी पेमेंट नहीं किए हो, आप लोग को ये फॉर्म भरना है और रेस्पेक्टिव प्लांट में या फिर रेस्पेक्टिव MD इंडिया का सेंटर में आप लोग को सबमिट करना होता है और कुछ फॉर्मेलिटीज उसके साथ आप लोग को फुलफिलमेंट करना होता है और फिर से आप लोग ऑनलाइन रिन्यू करवा सकते हो। लेकिन अगर गैप कैश है तो आप लोग को ये फॉर्म भरना है और सबमिट करना है। तो चलिए फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एम्प्लॉय डिटेल्स में यहाँ पे नेम ऑफ द एम्प्लॉय, मैं यहाँ पे अपना नाम दे दे रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे पर्सनल नंबर या फिर PL नंबर यहाँ पे आप लोग को एंटर करना है। फिर यूनिट फ्रॉम हुआ रिटायर्ड, कौन सा यूनिट से आप लोग रिटायर्ड किए हो वो यहाँ पे लिखना है, लाइक ब्लास्ट फर्नेस या फिर कोक ओवन, कोई भी यूनिट हो वहाँ से यहाँ पे यूनिट का नाम लिखना है, ठीक है। और प्लेस ऑफ लास्ट पोस्टिंग, लास्ट पोस्टिंग कहाँ पे हुआ था यहाँ पे आप लोग को लिखना है। रजिस्ट्रेशन लास्ट हेल्ड, कौन सा पोस्ट में आप लोग रिटायर्ड किए हो यहाँ पे आप लोग को लिखना है, ठीक है। और ये सब डिटेल जो है ये सेपरेशन फॉर्म में रहता है, जो कि जब आप लोग रिटायर करते हो तो वहाँ पे पूरा डिटेल रहता है, ग्रेड कौन सा था, पर्सनल नंबर क्या था, कितना पेमेंट हो रहा था आपको, ये सब आप लोग को डिटेल वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। फिर डेट ऑफ सेपरेशन DD MM YY YY फॉर्मेट में यहाँ पे आप लोग को देना है, जो कि आप लोग को सेपरेशन फॉर्म में देखने को मिल जाएगा। फिर क्लेम सेंटर ओनली फॉर एनरोलमेंट, जो कि कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, सलेम, आसनसोल, ये सब एरिया में आप लोग का एनरोलमेंट सेंटर है, तो आप लोग को फॉर्म भरना है और सबमिट कर देना है, ठीक है, जो भी रेस्पेक्टिव प्लांट में काम करता है, ठीक है। नेम ऑफ मेंबर यहाँ पे आप लोग को अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ लिखना है और फिर मीन नंबर आप लोग को लिख देना है और जेंडर मेल या फीमेल लिखना है। फिर नेम ऑफ स्पाउस, आप लोग अपने वाइफ का यहाँ पे डिटेल रहेगा, नेम रहेगा, फिर उनका डेट ऑफ बर्थ रहेगा, फिर मीन नंबर, जेंडर मेल या फीमेल। और यहाँ पे दो आप लोग को फिक्स करना है फोटो, एक खुद का और दूसरे जो है स्पाउस का। और फिर एड्रेस यहाँ पे आप लोग को लिखना है, जो भी एड्रेस पे आप लोग रह रहे हो। फिर पिन कोड आप लोग को लिखना है, फोन नंबर लिखना है और फिर सेल नंबर है तो सेल लिखना है, ईमेल आईडी देना है। फिर यहाँ पे आप लोग को आधार नंबर खुद का आप लोग को देना है, सेल्फ का, और आधार नंबर स्पाउस मतलब अपने हाउसवाइफ का। और फिर डेट ऑफ एनरोलमेंट फॉर फ्रेश एनरोलमेंट ओनली DD MM YY YY फॉर्मेट में रहेगा, जिस दिन आप लोग एनरोलमेंट कर रहे हो, जैसे कि मैंने आज दिया, आज एनरोलमेंट कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं आज का डेट दिया हूँ। फिर नंबर ऑफ मेंबर्स, जो भी मेंबर्स है यहाँ पे 1 हो 2 हो यहाँ पे आप लोग लिख देना है। फिर प्रीमियम फॉर बेस पॉलिसी, जो भी प्रीमियम रहेगा वो अमाउंट रहेगा। फिर स्पाउस के लिए भी जो भी बेस पॉलिसी है करंटली जो है 9078 है, स्पाउस के लिए भी 9078 यानी कि 18,000 प्रीमियम रहेगा, ठीक है। टोटल प्रीमियम यहाँ पे आप लोग को लिख देना है, 18,000 समथिंग हो रहा है, मैं यहाँ पे एक्यूरेट लिख दिया हूँ, ठीक। और सुपर टॉपअप लेना चाहते हो येस और नो में आंसर लिखना है। अगर आप लोग लेना चाहते हो तो एक्स्ट्रा अमाउंट आप लोग को पेमेंट करना होगा, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। इफ येस थ्रेशोल्ड रुपीज आप लोग को लिखना है, जो भी अमाउंट है, सम इंश्योर्ड जो भी है यहाँ पे आप लोग को लिखना है। और प्रीमियम फॉर सुपर टॉपअप सम एम्प्लॉय यहाँ पे आप लोग को लिखना है, फिर सम जो है स्पाउस के लिए भी यहाँ पे लिखना है और फिर यहाँ पे कैलकुलेट करके आप लोग को प्रीमियम लिख देना है, ठीक है। फिर नॉमिनी ऑफ एम्प्लॉय जनरली वाइफ को दिया जाता है, ठीक है, तो उनका नाम रहेगा। और रिलेशनशिप विथ एम्प्लॉय यहाँ पे वाइफ, फिर नॉमिनी ऑफ स्पाउस यहाँ पे हस्बैंड भी दे सकते हो, फिर रिलेशनशिप विथ स्पाउस यहाँ पे हस्बैंड दे सकते हो, ठीक है, या फिर आप लोग अपने बेटा या फिर बेटी को भी नॉमिनी बना सकते हो, ठीक है। बीसीएस डिटेल एम्प्लॉय और स्पाउस का दोनों का रहेगा। नेम ऑफ अकाउंट होल्डर यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम और फिर स्पाउस का भी नेम रहेगा। नेम ऑफ बैंक जो भी बैंक है, और उसी तरह यहाँ पे भी स्पाउस का भी बैंक रहेगा, ब्रांच नेम रहेगा, बैंक का ब्रांच नेम और फिर ब्रांच का एड्रेस बैंक का, ठीक है। और यहाँ पे भी स्पाउस का भी बैंक का एड्रेस, फिर टाइप ऑफ अकाउंट सेविंग अकाउंट है या फिर करंट अकाउंट है यहाँ पे आप लोग लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को टिक कर देना, जनरली सेविंग अकाउंट रहता है तो यहाँ पे सेविंग अकाउंट पे टिक किया जाएगा, ठीक है। फिर मेंबर अकाउंट नंबर, फिर MICR कोड जो कि खुद है, मेंबर अकाउंट नंबर मतलब एम्प्लॉय खुद रहता है, ठीक है, उन बैंक का अकाउंट नंबर रहेगा और MICR कोड, फिर उसी तरह स्पाउस का अकाउंट नंबर और MICR कोड, IFSC कोड मेंबर का और फिर IFSC कोड स्पाउस का, ठीक है। फिर मिन नंबर मेंबर का और स्पाउस का,
फिर यहाँ पे सिग्नेचर रहेगा एम्प्लॉयर का और स्पाउस का सिग्नेचर रहेगा, फिर पेमेंट डिटेल, बैंकर्स चेक नंबर और अमाउंट जो भी है यहाँ पे आप लोग को लिख देना, फिर ड्रॉई बैंक देना है। ये जो है ये बाद में काम आएगा, मैं आप लोग को बाद में बताऊंगा, ठीक है। फिर मेंबर्स टू नोट, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एनक्लोजर्स, आप लोग को डुप्लीकेट फॉर्म देना है, ठीक है। और DD और BC इन फेवर ऑफ सेल RSP राउरकेला, जो कि यहाँ पे DD नंबर लिखना होगा, ठीक है। ऑन कैंसिल चेक विथ नेम एंड मिन नंबर और PL नंबर एट द बैक आप लोग को लिखना है। फिर कॉपी ऑफ सेपरेशन ऑर्डर, फिर कॉपी ऑफ कवरेज पेज ऑफ एक्स एम्प्लॉय मेडिकल ट्रीटमेंट बुक, जेरोक्स करके आप लोग को मेडिकल ट्रीटमेंट बुक का फर्स्ट पेज को जो है वो आप लोग को सबमिट करना होगा। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ आधार ईच फॉर मेंबर एंड स्पाउस, ठीक है, दोनों का सिग्नेचर रहेगा नीचे में, और दो नंबर ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ रहेगा, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। और इंटीमेशन जैसे आप लोग जानते होंगे 48 आवर एडवांस में देना होगा, और इमरजेंसी के वक्त विद इन 24 आवर्स, ठीक है। फिर क्लेम सबमिशन, ये सब आप लोग को मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूँ, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। और ये सब डिटेल अगर सही नहीं है तो क्लेम्स जो है रिजेक्ट होने का चांसेस भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो आप लोग को डिटेल सब सही लिखना है और आप लोग को सबमिट कर देना अपना रेस्पेक्टिव प्लांट में या फिर MD इंडिया का सेंटर में, ठीक है। तो ये था सेल मेडिक्लेम का गैप केस एनरोलमेंट के बारे में। तो अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल है, प्लीज टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिना टेक। थैंक यू।